वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले। जो चैप्टर को हमने पूरा देख लिया था, आज हम देखने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज, उसका अभ्यास। तो अभ्यास के अंदर सबसे पहले है शब्द ज्ञान। यहाँ पे कुछ शब्द जो चैप्टर के अंदर है उसके मीनिंग लिखे हुए है, जिसको चैप्टर पढ़ाते वक्त तो मैंने ज्यादातर मीनिंग आपको बता ही दिए है, पर एक बार रिटर्न में उसको देख लेते हैं। सदाचार, उसका मतलब होता है अच्छा व्यवहार। संकेत यानी इशारा, क्लू, सिग्नल। स्वतंत्रता यानी आजादी, फ्रीडम। आचरण यानी व्यवहार, बिहेवियर। प्रसंग यानी प्रकरण, घटना, उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट या फिर इंसिडेंट। पुरस्कार स्वरूप यानी इनाम के रूप में, एज प्राइस। योग्य यानी काबिल, एबल। सत्यनिष्ठा यानी सत्य के प्रति दृढ़ होना या फिर सच्चाई, जिसको कहेंगे हम ट्रूथफुलनेस। निडरता, न डरने का भाव, फियरलेसनेस। प्रतिज्ञा यानी वादा, जिसको हम कहते हैं प्लेस्ड या फिर प्रॉमिस। साबित यानी सिद्ध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ। प्रशंसा का पात्र यानी शाबाशी या तारीफ के योग्य, कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टर। ओके, अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द। स्वतंत्रता, उसका समानार्थी है आजादी, मुक्ति, स्वाधीनता। बालक, उसका समानार्थी है लड़का, बाल, किशोर। आश्चर्य, उसका समानार्थी है हैरानी, अचरज, अचंभा। पुरस्कार, जिसका समानार्थी है इनाम, तमगा, पारितोषिक। मुहावरे देखेंगे, पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। गद गद होना यानी बहुत प्रसन्न होना। फूट फूट कर रोना यानी बहुत अधिक रोना। अब हम देखेंगे पाठ बोध, उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुत लेख यानी डिक्टेशन। डिक्टेशन वर्ड, ये वर्ड को सिर्फ नोटबुक के अंदर लिखना है। संकेत, स्वतंत्रता, चरित्र, देशभक्ति, ध्यानपूर्वक, नियमित, पुरस्कार स्वरूप, योग्य और सजा। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर बताओ, आंसर द क्वेश्चन। प्रश्न नंबर क है, बालक का सदाचार किस ओर संकेत करता है। ये प्रश्नों के उत्तर हम टेक्स्ट बुक के अंदर तो नहीं देख सकते, तो हम लोग इसको नोटबुक में देखेंगे। तो बालक का सदाचार हमें किस ओर संकेत करता है, तो उत्तर आएगा, बालक का सदाचार उसके सुंदर भविष्य की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर ख, बचपन से ही गोपाल कृष्ण गोखले के आचरण में कौन से गुण थे, तो उत्तर आएगा, बचपन से ही गोपाल कृष्ण गोखले के आचरण में ईमानदारी, निडरता और देशभक्ति जैसे गुण थे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर ग, बालक गोपाल कृष्ण ने खुद को सजा का हकदार क्यों बताया, तो उत्तर आएगा, बालक गोपाल कृष्ण ने खुद को सजा का हकदार इसीलिए बताया क्योंकि उन्होंने सारे सवाल अपने भाई के हल करवा भाई से हल करवाए थे। प्रश्न नंबर घ, बालक गोपाल कृष्ण को पुरस्कार में क्या मिला, तो उत्तर आएगा, बालक गोपाल कृष्ण गोखले को पुरस्कार में एक कलम मिली। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न यानी रिटन क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखो, राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर क है, छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचते समय
शिक्षक महोदय हैरान क्यों हुए? तो इसके उत्तर हम नोटबुक के अंदर देखेंगे। छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचते समय शिक्षक महोदय हैरान क्यों हुए? उत्तर आएगा, छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचते समय शिक्षक महोदय हैरान इसलिए हो गए क्योंकि गोपाल कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी छात्र ने सवालों के सही हल नहीं किए थे। ख, शिक्षक द्वारा गोपाल कृष्ण की पीठ थपथपाने का क्या कारण था? तो उत्तर आएगा, शिक्षक द्वारा गोपाल कृष्ण की पीठ थपथपाने का कारण सवालों का सही हल था। प्रश्न नंबर ग देखेंगे, गोपाल कृष्ण फूट फूट कर क्यों रोने लगे? तो उत्तर आएगा, गोपाल कृष्ण फूट फूट कर इसीलिए रोने लगे क्योंकि उन्होंने स्वयं को स्नेह और पुरस्कार के योग्य नहीं समझा था। उन्होंने सवाल स्वयं नहीं किए थे। घ, शिक्षक ने छात्रों को क्या समझाया? तो उत्तर आएगा, शिक्षक ने छात्रों को समझाया कि नियमित अभ्यास न करने पर सवालों के हल निकालना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे खत्म होते हैं सारे लिखित प्रश्न। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, उचित विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर एंड मार्क एट राइट, यानी क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर चूज करके उसके अंदर टिक का मार्क्स लगाना है। तो देखेंगे प्रश्न नंबर क, अंग्रेजों के आदर और प्रशंसा का पात्र कौन बन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्ण राव या फिर शिक्षक, उनकी प्रशंसा का पात्र कौन बन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो सामने वाले बॉक्स में करेंगे टिक का मार्क्स। ख, सवाल हल करने की घटना के समय बालक गोखले कौन सी कक्षा के छात्र थे? ये जो कहानी बताई गई है वो कहानी में बालक कौन सी कक्षा के छात्र थे, पांचवी, तीसरी या फिर दसवीं? कौन सा आंसर आएगा? तीसरी कक्षा के छात्र थे। तो सामने वाले बॉक्स में करेंगे टिक का मार्क्स। ख, गोखले बचपन से ही कैसे थे? तो उत्तर आएगा, डरपोक, ईमानदार और निडर या फिर आलसी। गोपाल कृष्ण गोखले कैसे थे? तो वो थे ईमानदार और निडर। तो सामने वाले बॉक्स में करेंगे टिक का मार्क्स। हीरे की घटना से इनके किस गुण के बारे में पता चलता है? कहानी के अंदर एक और एक कहानी प्रसंग बताया गया है हीरे वाला, तो उससे हमें क्या पता चलता है? उनकी देशभक्ति, उनकी वीरता या फिर उनकी सरलता, किस बारे में पता चलता है? उनकी देशभक्ति के बारे में। तो ये उसके सामने वाले बॉक्स में करेंगे टिक का मार्क्स। अब हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन, यानी भाषा की बात। लिंग बदलो यानी चेंज द जेंडर, यानी अगर पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग वाला वर्ड है तो उसको पुल्लिंग बनाना है। यहाँ पे लिखा है छात्र, छात्र क्या कौन सा वर्ड है? पुल्लिंग वाला, तो उसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? छात्रा। शिक्षक तो क्या बनेगा? शिक्षिका। महोदय तो क्या बनेगा? महोदया। मालिक तो बनेगा मालकिन। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, यानी यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, उसके सामने उसके ऑप्शन दिए गए हैं आंसर के। आंसर के ऑप्शन दोनों सेम जैसे हैं, पर उसमें क्या है, एक है जो ग्रामेटिकली मिस्टेक वाला है और एक राइट वाला आंसर है। तो दोनों में से हमें राइट वर्ड उसके अंदर लिखना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। पहले वाला देखेंगे, बालक का सदाचार उसके सुंदर खाली जगह की ओर संकेत देता है।
तो यहाँ पे भविष्य वाला आंसर राइट है, पर यहाँ पे लिखा है दो टाइप के भविष्य, एक के अंदर है षटकोण वाला श और एक के अंदर है शरबत वाला श। तो भविष्य के अंदर कौन सा आएगा? षटकोण वाला श। तो ये वाला भविष्य वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे। ख, उनके जीवन के कई खाली जगह है जो हमें प्रेरित करते है। उनके जीवन के कई प्रसंग है ऐसा आएगा। तो यहाँ पे दो प्रसंग लिखे हुए हैं, एक प्रसंग लिखा है और दूसरा प्रसंग लिखा है। ये वाले स के ऊपर चंद्र बिंदी है और ये वाले स्वर के ऊपर उंगली बिंदी लगाई हुई है। तो कौन सा आएगा, अम की मात्रा वाला या चंद्र बिंदी वाला? अम की मात्रा वाला। ओके, तो ये वाला वर्ड हम लिखेंगे यहाँ पे। शिक्षक महोदय को बहुत खाली जगह हुआ, तो क्या आएगा? बहुत आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पे आश्चर्य दो लिखे हैं, एक है आ, फिर च के ऊपर लिखा है, किया है रेफ और य, और दूसरे के अंदर य के ऊपर रेफ किया है और पहले के अंदर च के ऊपर रेफ किया है। तो आश्चर्य में कौन से वाले वर्ड के ऊपर रेफ आता है, च या फिर य? यस, ये वाले वर्ड के ऊपर रेफ आता है, आश्चर्य, र के बाद य आता है। ये इसका मतलब होता है य के ऊपर रेफ आएगा। तो ये वाला वर्ड राइट है, इसको लिखेंगे हम ब्लैंक्स के अंदर। घ, शिक्षक महोदय ने गोपाल कृष्ण की पीठ थपथपाई, पीठ खाली जगह, तो आंसर आएगा थपथपाई। तो यहाँ पे दो थपथपाई लिखा है, एक लिखा है थप थपा ई और दूसरा लिखा है थप थपा ई। कौन सा वाला राइट है, थप थपा ई वाला या फिर थप थपा ई वाला? यस, थप थपा ई वाला राइट है। तो ये वाला वर्ड हम लिखेंगे यहाँ पे। और प्रश्न नंबर ड देखेंगे, उनकी खाली जगह से प्रभावित होकर शिक्षक ने उन्हें गले लगाया। उनकी किससे प्रभावित होकर? सत्यनिष्ठा से। तो यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, एक है सत्यनिष्ठा और दूसरा है सत्यनिष्ठा। तो कौन सा वाला राइट है, सत्यनिष्ठा बोला जाता है कि सत्यनिष्ठा बोला जाता है? ये सत्यनिष्ठा बोला जाता है, सत्यनिष्ठा ऐसा बोलते नहीं। तो ठा वाला वर्ड राइट है, तो इसको लिखेंगे हम ये वाली ब्लैंक्स के अंदर। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीन, उपर्युक्त कारक चिन्ह से वाक्य पूरे करो, यूज एप्रोप्रिएट कैश साइन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी यहाँ पे कारक चिन्ह लगाने हैं, जिस उसका मतलब है कि यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है उसके अंदर कौन सा कारक लगेगा वो यहाँ से चूज करना है और यहाँ पे लगाना है। तो पहले वाला है क, बात उस समय खाली जगह है जब वे तीसरी कक्षा खाली जगह छात्र थे। तो उत्तर आएगा बात उस समय की है, कौन सा आएगा? की है, जब वे तीसरी कक्षा छात्र थे। तो क्या आएगा? तीसरी कक्षा के छात्र आएंगे। ओके, अगर उसके अंदर कोई भी सेंटेंस के अंदर कारक नहीं होगा तो वो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बनेगा, कारक लगाना जरूरी है। तो कक्षा छात्र थे या फिर कक्षा के छात्र थे? यस राइट, सेंटेंस से कक्षा के छात्र थे। शिक्षक महोदय खाली जगह बच्चों खाली जगह समझाया, तो क्या आएगा? शिक्षक महोदय ने बच्चों को समझाया। ग, सारे सवाल मैंने अपने भाई खाली जगह हल करवाए हैं। तो उत्तर आएगा सारे सवाल मैंने अपने भाई से हल करवाए हैं। घ, उन्होंने जीवन भर सच्चाई के रास्ते खाली जगह चलने की प्रतिज्ञा की। तो उत्तर आएगा उन्होंने जीवन भर सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। ड, राष्ट्र के लिए तुम्हारे प्रेम को देखकर लगता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े देशभक्त बनोगे। राष्ट्र खाली जगह तुम्हारे प्रेम को देखकर, तो क्या आएगा? राष्ट्र के लिए तुम्हारे प्रेम को देखकर। ओके, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर चार, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी
नाम, सर्वनाम का मतलब, संज्ञा का मतलब होता है नाउन, यानी नाउन के नाम की जगह जो वर्ड यूज होता है उसे कहा जाता है सर्वनाम, यानी सर्वनाम। जैसे कि मंजुला बाजार गई, उसके अंदर कौन सा नाउन है, नाम है मंजुला। फिर दूसरा सेंटेंस है, उसने बाजार में से सामान खरीदा। यहाँ पे दोबारा मंजुला ने सामान खरीदा ऐसा नहीं लिखा, पर नाम की जगह क्या यूज किया, उसने, यानी उसने वर्ड क्या है, एक सर्वनाम है जो नाम की जगह पे यूज होता है। यहाँ मंजुला शब्द मंजुला संज्ञा शब्द है और उसने शब्द मंजुला के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए मंजुला शब्द क्या है, सर्वनाम है। उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन वर्ड। क, यदि हीरे के मालिक का पता न लग पाया तो खाली जगह क्या करोगे, यानी यहाँ पे हमें एक नाउन चुन के लिखना है, प्रोनाउन चुन के लिखना है कि कौन सा वाला प्रोनाउन राइट है, वे वाला या फिर तुम वाला, दोनों में से कौन सा वाला सर्वनाम राइट है, कि तो वे क्या करोगे या फिर तुम क्या करोगे। ओके, तुम है तो करोगे शब्द है तो करोगे के साथ आएगा तुम क्या करोगे। ओके, फिर दूसरी ब्लैंक्स देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महान देशभक्त थे। खाली जगह जीवन के कई प्रसंग है जो हमें प्रेरित करते हैं, तो वे जीवन के प्रसंग या फिर उनके जीवन के प्रसंग, कौन से वाला प्रोनाउन राइट है, उनके वाला। ओके, तो उनके वर्ड हम लिखेंगे ब्लैंक्स के अंदर। फिर देखेंगे ग, शिक्षक ने खाली जगह गले लगा लिया, तो शिक्षक ने वे गले लगा लिया या फिर शिक्षक ने उन्हें गले लगा लिया, कौन से वाला वर्ड राइट है, उन्हें वाला, नहीं उन्हें वाला वर्ड राइट है, तो उन्हें लिखेंगे हम ब्लैंक्स के अंदर। ब्लैंक्स नंबर ग, बात उस समय की है जब खाली जगह तीसरी कक्षा के छात्र थे, तो क्या आएगा, वे, जब उन्हें तीसरी कक्षा के छात्र थे या जब वे तीसरी कक्षा के छात्र थे। यस, आएगा वे तीसरी कक्षा के छात्र, तो वे हम लिखेंगे ब्लैंक्स के अंदर। ड, एक बच्चे ने कहा खाली जगह हीरे को बेचकर विदेश की सैर करूंगा। एक बच्चे ने कहा उनका हीरे को बेचकर विदेश की सैर करूंगा या मैं हीरे को बेचकर विदेश की सैर करूंगा, कौन सा वाला राइट आंसर आएगा, मैं बेचकर विदेश की सैर करूंगा, तो ये वाला वर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम